एक साल भी नहीं चली हंसिका मोटवानी के भाई की शादी। बहन के पीले किए हाथ तो खुद का बिखर गया बसा बसाया घर। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने बेहद धूमधाम तरीके से अपने बॉयफ्रेंड सोहेल कथोरिया से शादी रचाई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। हंसिका के भाई का तलाक होने जा रहा है। एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बीवी से अलग होने वाले, क्योंकि हंसिका की जो भाभी है वो हंसिका की शादी में तक शामिल नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि इन दोनों के रिश्ते में एक बड़ा सा तूफान आ चुका है और जिसका नतीजा सिर्फ तलाक ही होगा। दरअसल ये खबर तब सुर्खियों में आई जब राजस्थान में हंसिका की भव्य शादी में उनकी भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैंसी शामिल नहीं हुई। हंसिका की शादी की हर रस्म में उनके भाई प्रशांत मोटवानी तो मौजूद रहे, लेकिन उनकी बीवी और हंसिका की भाभी मुस्कान हर फंक्शन से नदारद रही। साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर ने इस बात पर अपने एक पोस्ट के जरिए जोर डाल दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि हंसिका के भाई और उनकी बीवी मुस्कान का तलाक होने वाला है। पोस्ट में बताया गया है कि 2 नवंबर 2022 को उनकी भाभी मुस्कान ने ये खुलासा किया था कि वो फेशियल पैरालिसिस से पीड़ित है। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी और पिछले कुछ महीनों से वो कितनी मुश्किल का सामना कर रही है। तब उनके माता पिता ने ही उन्हें सहारा दिया था। उन्होंने अपने पति के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। पोस्ट में आगे बताया गया है कि मुस्कान ने अपनी ननद की शादी भी अटेंड नहीं की, साथ ही उन्होंने पति प्रशांत को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया है। पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि प्रशांत बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और उनसे अलग रहने की वजह से इन दोनों के रिश्ते में अब खटास आ गई है। दूसरी ओर मुस्कान ने अपनी शादी की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया है, जिसके बाद उनके प्रशांत के अलगाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि हंसिका के भाई और भाभी ने अभी तक किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन उनके अलग होने की अफवाहों हर तरफ सनसनी जरूर मचा दी। बता दें कि हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी ने सीरियल माता की चौकी फेम एक्ट्रेस मुस्कान नैंसी से बीते साल ही शादी की थी। प्रशांत और मुस्कान ने 21 मार्च 2021 को साथ फेरे लिए थे। शादी के दिन जहां मुस्कान नैंसी दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, तो वहां प्रशांत भी काफी हैंडसम लग रहे थे। शादी की सभी रस्में जयपुर में हुई थी और जो कि बेहद आलीशान अंदाज में निभाई गई थी, जहाँ परिवार और करीबी दोस्त मौजूद रहे थे। मुस्कान और प्रशांत काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। भाई की शादी के दिन हंसिका क्रीम कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत लग रही थी। खुद हंसिका ने भाई की वेडिंग पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की। बहरहाल अब हंसिका के भाई की शादी के टूटने की खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।